नमस्कार, वेलकम टू मायास फूड। और आज हमने बनाया पाइनएप्पल केक। हमारे पाइनएप्पल केक की खासियत ये है कि इसे बनाने के लिए हमने किसी भी व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया है। एकदम बढ़िया से फ्रेश पाइनएप्पल से हमने इसे डेकोरेट किया है। और ये देखिए हमारा केक कितना बढ़िया बना है, एकदम टेस्टी और स्पंजी। देखिए केक बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बाउल में आधा कप के करीब तेल ले लिया है, जो कि खाने का तेल है। अब हमें इसमें पहले ऐड करना है पिसी हुई शक्कर। तो लगभग 80 ग्राम के करीब हम इसमें पिसी हुई शक्कर ऐड करेंगे, जिसे कि हम छान लेंगे। तो पहले शक्कर को अच्छी तरह से छान लें। और अब इन दोनों ही चीज़ों को पहले हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। शुगर और ऑयल को ना अच्छी तरह से फेंट लें, ताकि एक बढ़िया सा यूँ क्रीमी सा टेक्सचर इसका तैयार हो। लगभग 1 मिनट के लिए आपको इसे अच्छी तरह से यूँ फेंट लेना है। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया और एकदम क्रीमी सा ये हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम मैदा लिया है, जिसे कि हम अच्छी तरह से छानते हुए यूँ मिक्स कर लेंगे। तो चलिए मैदा भी हमारा छन चुका है। और अब डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा 1 चुटकी जितना बेकिंग सोडा, यानी कि खाने का सोडा। इसे भी हमने छान लिया है। अब पहले इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम दूध ऐड करेंगे। इसका बढ़िया सा एक हमें बैटर तैयार करना है, लेकिन मिक्स करते समय थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें मिल्क ऐड कीजिए। बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करते रहें। जब भी आप इसमें मिल्क ऐड कर रहे हैं तो ये अच्छी तरह से फास्ट इसे मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो इसे मिक्स करने में मुझे केवल 3/4 कप ही यहाँ पे मिल्क की ज़रूरत पड़ी है। और ये देखिए बैटर हमारा एकदम बढ़िया से बनके तैयार है। अब हमें इसमें क्या डालना है, हमारा ये पाइनएप्पल केक है तो हम इसमें वनीला एसेंस नहीं डालेंगे। मैं इसमें डालूँगी पाइनएप्पल इमल्शन, यानी कि थोड़ा सा कलर भी और उसमें थोड़ा फ्लेवर भी है ना। यदि आपके पास पाइनएप्पल एसेंस है तो फिर आप इसमें पाइनएप्पल एसेंस और थोड़ा सा येलो कलर या फिर थोड़ा ऑरेंज कलर इस तरह से डालिए, जिससे कि थोड़ा कलर भी अच्छा सा आ जाए। तो ये देखिए मैंने इमल्शन डाला और कलर काफ़ी सुंदर इस बैटर में आ चुका है। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जब तक आप इसे मिक्स कर रहे हैं तब तक आप यदि कढ़ाई में बना रहे हैं तो उसे प्री हीट कर लीजिए, कुकर में बना रहे हैं तो उसे प्री हीट कर लीजिए, ताकि फटाफट से आपका केक सेट हो सके। तो इसे एक बार मैं और अच्छे से यूँ मिक्स करूँगी। मिक्स करने वाली जो प्रोसेस है ना, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। काफ़ी अच्छे तरह से इसे मिक्स करते रहना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए बैटर एकदम बढ़िया सा यहाँ पे तैयार हो चला है। और काफी कम इमल्शन में हमारा ये प्रोसेस यहाँ पे इसका ना कंप्लीट होता है। इमल्शन भी हमें ज्यादा यूज नहीं करना पड़ता है, इसलिए इमल्शन भी यदि आप यूज करते हैं तो बिल्कुल ना कतराए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बैटर हमारा रेडी है। तो अब बर्तन को, बटर पेपर को मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब जो हमारा बैटर है वो हम इस पॉट में डाल देते हैं। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी और इतना क्रीमी टेक्सचर इसका दिखाई दे रहा है, काफी अच्छा। तो बस इसे आप पैक कीजिए और रख दीजिए इसे 15 से 20 मिनट के लिए। अब केक को ना हम क्रीम से नहीं फ्रेश पाइनएप्पल से ही डेकोरेट करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी फ्रेश पाइनएप्पल ले लिया है, जिसे कि मिक्सी जार में मैं अच्छे तरह से पीस लूंगी। तो चलिए इसे अच्छी तरह से एकदम फाइन सा हम पीस लेते हैं। तो देखिए इसके पीसने के लिए ना मुझे पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, तो पानी यहाँ पे मैंने इसमें बिल्कुल नहीं डाला है। हाँ, ध्यान रहे कि आपको एकदम बढ़िया तरीके से पीसना है, कोई भी छोटे छोटे टुकड़े इसमें बिल्कुल ना हो। तो अब मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है। इस पैन में पहले हम क्या करेंगे, अभी मैंने गैस पर नहीं रखा है, ठीक है। तो अभी हम इसमें सारी की सारी प्यूरी डाल देते हैं और इसमें शक्कर भी डाल देते हैं 1 कटोरी। और अब पैन को आप गैस पर रख दीजिए। तो इसे गैस पर रखने के बाद में इसे थोड़ा थोड़ा यूँ मिक्स कर लीजिए। धीरे धीरे अब ये शक्कर मेल्ट होना स्टार्ट होगी।
बीच बीच में यू इस तरह से ना मिक्स करते रहिए। देखिए धीरे धीरे ये जो पाइनएप्पल का कलर है वो भी चेंज होने लगा है। तो देखिए फ्रेश पाइनएप्पल से हम इसे डेकोरेट करेंगे ना, तो इसमें आपको किसी भी तरह का इमल्शन या फिर इसेंस यहाँ पे डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बिल्कुल एकदम नेचुरल सा टेस्ट आएगा आपके इस केक में। तो ये देखिए इस तरह का कलर, जब पाइनएप्पल आपका अच्छी तरह से पक जाएगा ना तो इस तरह का कलर हो जाएगा। लेकिन अब हमें इसमें मिलाना क्या है ये देखिए। तो अब यहाँ पे मैंने एक कटोरी में मिल्क लिया है और इसमें मैं अभी कॉर्नफ्लोर मिक्स कर रही हूँ। तो पहले से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अभी कॉर्नफ्लोर वाला मिल्क हम इसमें डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, फ्लेम को आप बिल्कुल मीडियम कर दीजिए वरना इसका जो पानी है वो पानी की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी, है ना। तो फ्लेम को यहाँ पे आपको एकदम मीडियम कर देना है और बस इसे थोड़ा सा पकाना है। इस दौरान यदि आपको लगे भी यदि कि इसमें थोड़ा पानी कम है तो थोड़ा मिल्क या फिर थोड़ा पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे मीडियम फ्लेम पर ना हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे और हम देखेंगे कि इसमें ना थोड़ा कलर चेंज होने लगता है, एकदम बढ़िया सी चिकनाहट इसमें आने लगेगी। थोड़ा यूँ मिक्स करते करते 3 से 4 मिनट तक इसे पकाइए। तो ये देखिए इस तरह से यूँ बढ़िया सा यूँ जेल जैसा हमारा बनके तैयार है। अब गैस को बंद कर लीजिए, केक को भी ठंडा कर लीजिए अच्छी तरह से और इस जेल को भी अच्छे से ठंडा कर लीजिए। लीजिए केक एकदम बढ़िया तरीके से बन के तैयार है। अब हम इसे डीमोल्ड करते हैं। तो एकदम बढ़िया और स्पंजी हमारा पाइनएप्पल केक बनके तैयार है। अब बारी है इसे डेकोरेट करने की। अब ये जो लिक्विड सॉस हमने बनाया है यहाँ पे इसे हम केक पर अप्लाई करेंगे। और इसे अब हम स्पैचुला से थोड़ा यूं इस तरह से इक्वल कर देंगे। ध्यान रहे कि ये जो सॉस हमने बनाया इसे एकदम पतला भी आप ना बनाए वरना ये केक पर ठहर नहीं पाएगी। और इस स्पैचुला से ना इसके यूं साइड से ये भी क्लियर कर लीजिए जिससे कि ना ये बहुत ही सुंदर लगेगा और इसका टेस्ट एकदम बढ़िया आपको एकदम फ्रेश पाइनएप्पल जैसा ही काफी रिफ्रेशिंग सा लगेगा। और थोड़ी थोड़ी जो इसकी जेली है ना मैं इसको साइड से भी अप्लाई करूंगी ताकि थोड़ा थोड़ा यहां से भी कोट हो जाए। और मैंने इसे डेकोरेट कर लिया है कुछ कैंडीज और कुछ बीट्स के साथ। जैसे चाहे आप इसे डेकोरेट कीजिए, टेस्ट इसका बहुत ही बढ़िया आने वाला है एकदम फ्रेश वाला। तो यदि ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपने देखा इसके लिए थैंक यू।